दोस्तों वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हमें देहरादून जू में और आज मेरे साथ है मेरा दोस्त समेश। पहले हम 6 महीने पहले आए थे और ये जगह पूरी बंद थी, लेकिन आज ही पूरा खुल चुका है जू। तो आज देखते हैं अंदर क्या देखने को मिलता है। अंदर हो चुके हैं, काफ़ी क्राउड है, मास्क पहनना ज़रूरी है यहाँ पे। तो पहले हम बाय करेंगे टिकट्स, टिकट काउंटर पे चलते हैं। गिरा टिकट काउंटर, दोस्तों 60 रुपये की 2 टिकट मिली है, 30 रुपये की 1 टिकट है एडल्ट की, बच्चों की टिकट है 10 रुपये की और मंडे को ऑफ होते हैं हर बार, ठीक है। तो टिकट ले चुके हैं, यह है टिकट, 60 रुपये लगे, चलते हैं अंदर। बाकी पार्किंग के 2 व्हीलर में आ रहे हो तो 10 रुपये और 4 व्हीलर में आ रहे हो तो 30 रुपये। सो अंदर चलते हैं दोस्तों। अभी जू के अंदर एंट्री ले चुके हैं, तो सबसे पहले जो आते हैं जू के एंट्री करते ही वो आते हैं फन पार्क बच्चों के लिए। यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो बिल्कुल बच्चों को यहाँ पे आप छोड़ सकते हो खेलने के लिए। बहुत सारे झूले, आपको पूरा व्यू दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत ही क्राउड है आज, तो दिखाते हैं आपको बच्चों को झूलते हुए ना। ये देखो, तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है जो 12 साल से बड़े जो लोग हैं वो झूलों का इस्तेमाल ना करें। अभी अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या है। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ जानवर दिख जाए अगर कोई भी तो आ जा अंदर चलते हैं। नाम वगैरह दिखा के आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, आप चिड़ियों के मज़े लो। अभी आपको थोड़ा सा दिखा देंगे, इसका नाम जो है, बट नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कोकाटेल। अभी एग्जैक्ट क्या प्रोनाउंस करते हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखो आप बड़ी मस्त वो है दोस्तों। पैरट्स दिखे अभी, ये जो है बड़े गुस्से में लग रही है, तो ज़रा आगे चलते हैं। कभी ना कभी आपको भी किसी ने बोला होगा लव बर्ड, कि आप लव बर्ड हो, तो लव बर्ड देख लो कैसी होती है, आपको मैं दिखाता हूँ लव बर्ड। तो ये देखो, फोटो भी देख लो इनकी ना, ये आप भी हो सकते हो दोस्तों, आपको भी किसी ना किसी ने बोला हो आप भी लव बर्ड हो, तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप भेजते हैं हमने चाहने वालों को ये लव बर्ड की वीडियो ना। अभी ये लव बर्ड काफ़ी जुदा जुदा लग रहे हैं, लड़िया ओ हो लव चल रहा है वहाँ पर, वहाँ चल रहा है ना लव, इनको जूम करते हैं जी, यहाँ लव फिर हो गया। और यहाँ ये देखो, यहाँ पे लव चल रहा है, ये बेचारा अलग हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड को वो ले गया लड़का दूसरा वाला है, वैलेंटाइन्स डे आने वाले है, ये सब काम आएगा दोस्तों। बर्ड्स काफ़ी दिखा दिए आपको, बर्ड्स ही बर्ड्स दिख रही है, तो कुछ देखते हैं कुछ बड़ा जानवर मिल जाए कोई, है ना, कोई शेर वगैरह या फिर टाइगर कुछ हुए यहाँ पे, देखते हैं। मुझे तो खुशी होती है कोई पर्सनली कोई ना हो ना जानवर पिंजरों में बंद, मुझे ज़्यादा खुशी होती है, बट अगर दिख जाए तो आपको दिखाते हैं दोस्तों। पीकॉक अभी दिखे, पीकॉक आपको दिखाते हैं। तक की सबसे सुंदर बर्ड हमें दिख गई है, सुंदर और बड़ी बर्ड, बहुत ही प्यारी बर्ड है, इसका नाम है रेड एंड ग्रीन मैको, पता नहीं एग्जैक्ट प्रोनाउंस कैसे करेंगे, मकाओ मकाओ, रेड एंड ग्रीन मकाओ, पता नहीं स्पेलिंग शायद गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप देखो बहुत ही प्यारी बर्ड है, बहुत ही मस्त लग रही है। रेड एंड ग्रीन मकाऊ, यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्लू एंड येलो मकाऊ, सेम है बस ये ब्लू और येलो है। तो देखते हैं कोई अगर जानवर आगे दिख जाए आपको दिखाते हैं, उम्मीद है एक ना एक तो मिल ही जाएगा, तो बने रहो यार, सबर का फल मीठा होता है। क्यों समेश, सही बात है, समेश ढूंढ रहा है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे जानवर, मैं दिखाता हूँ, नहीं बनेगा अगर भाई जानवर, ये ऑडियंस भी छोड़ेगी नहीं भाई, इसका नाम बर्ड हाउस रख देना चाहिए, जू की जगह बर्ड हाउस। कमांडो नेट है, नेट चढ़ सकते हो, और एक ब्रिज है उस पर चढ़ सकते हो, और बाकी जिप लाइन है। तो चार्जेस उसके थे 70, 40 एंड 30, जिप लाइन के 70 चार्जेस थे और 40 चार्जेस थे ब्रिज के, और 30 थे कमांडो के, तो
यहाँ पे आ सकते हो आप, जिसको एडवेंचर का शौक है थोड़ा बहुत कर सकते हो। इतना आधा नहीं है, बहुत लिमिटेड छोटा सा था, फिर भी आप कर सकते हो। फाइनली कुछ लग रहा है जैसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखने वाला है। भीड़ यहाँ पे काफी हो रही है। क्या ऑस्ट्रिच दोस्तों, ऑस्ट्रिच दिख गए है तो बर्ड ही बर्ड, बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी जरूरी है ना। इसमें लिखा है ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, जो कि समेश पहले बता चुका था। कमाल की बात ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा भाग सकती है। जिसने भी फ्रेंड्स और बिग बैंग थ्योरी देखा है तो ये रही टर्की, अपने बहुत सुना होगा टर्की के बारे में, तो यही है वो टर्की। इमू दिखे, क्रोकोडाइल दिख गया दोस्तों, क्रोकोडाइल दिख चुका है हमें, इसका इंतजार था। तो क्रोकोडाइल दिखाते हैं आपको, लास्ट बर्ड दिखा देते हैं आपको यार, आप भी जिद कर रहे हो, आप जिद कर रहे हो आप दिखाने के लिए, आपको दिखा देते हैं। इसका नाम है इमू। क्रोकोडाइल आपको गाधा दिखाएगी, क्रोकोडाइल दिख चुके हैं। घड़ियाल दिखाते, छोटा वर्जन ऑफ क्रोकोडाइल। स्नेक हाउस है यहाँ पे। तू कर, सांप देख के मैं खुद डर गया हूँ भाई, मैं क्या दिखाऊं किसी को। इगुआना, इगुआना वही है जो खतरों के खिलाड़ी में भी आपने देखा होगा। इसके साथ स्टंट कहे जाते हैं, इगुआना काफी स्टंट होते हैं इसके साथ है। हाँ, खतरों के खिलाड़ी में, जो खतरों के खिलाड़ी के फैन है वो जरूर यहाँ पे आके स्नेक्स देखें, आपको सारे स्नेक देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। बाय द वे वी आर नॉट प्रमोटिंग खतरों के खिलाड़ी यहाँ पे। हम ढूंढ रहे सांप कहाँ पे, सांप हमारे सामने सामने था बिल्कुल, यही तो डर है इनका देखने में, बट ऐसे लग रहा है कि क्ले का सांप है। दिखा दे, तो डर मत जाना आप। आप डर सकते हो, ये खतरनाक जगह है जो हमने खतरों के खिलाड़ी में देखा था, ये उससे खतरनाक है। मुझे यहाँ पे सांप देख के इतना डर लग गया मुझे तो। दोस्तों ये कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन साइज बता कितना है इसका। भाई ये भी 12 से 36 अंडे देते हैं एक महीने में। भाई ये जगह सेफ नहीं है, ये जगह सेफ नहीं है। सांप ढूंढ रहे हैं कहाँ है कहाँ नहीं है, उस स्टेज के अंदर जब भी ढंग से देखते हैं हमें लगता है सामने हमारे बैठा होता है। ये देखो, ये बिल्कुल सामने, हम दूर दूर तक देख रहे हो और बिल्कुल सामने बैठे हुए हमारे नवाब साहब डराने के लिए। जहरीला है ये, फिर तो बाहर निकाल दो सर। देखा आप यहाँ पे, ओ कोबरा, किंग कोबरा पिक्चर में काफ़ी सुना होगा आपने इसका नाम ना। दिखा दे भाई, ये भी पास पे लाओ, हम दूर देख रहे कहीं ये भी पास पे हो। ये तो हमें भी नहीं दिख रहा, किंग कोबरा दोस्तों दिख नहीं रहा, ये बाहर भी हो सकता है जहाँ पे हम खड़े हैं। तो अगर ब्लॉग अपलोड हो गया तो समझ लो अंदर है, अगर ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ इसका मतलब बाहर घूम रहा था ये। यहाँ पे दो हमने देखे, दोनों में कहीं पे भी हमें सांप नहीं दिखा, लगता है बच्चे देने के लिए गए अभी ये लोग। वो वाला दिखा क्या था, सांप छुपे पड़े हैं ये ना, सांप है इस पे। तो यहाँ पे हमने देखा भी बॉल पाइथन, बॉल पाइथन छुपा हुआ है, थोड़ा दिखाते हैं आपको। अरे भाई ये छुट्टी का, अभी चलो बाहर निकलते हैं इस जहरीले जोन से। ₹50 की है अडल्ट, हम अडल्ट, अडल्ट कंटेंट, बाकी बच्चों की है ₹20 की। ये तो ना इंसाफी है यार, बच्चों के लिए 20 संभाल लिया 50, ये कैसी बात हुई। कैक्टस एंड सुकुलेंट गार्डन, इसके भी 10 रुपीज़, मात्र 10 रुपीज़। ऐसे 10-10 करके 500 हो जाएगी आज। बजट बिगड़ जाएगा, बजट बिगड़ जाएगा, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। ये दिख गए ना, बंदर भी आ गया। अरे 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 अरे, ये बंदर फोन खींचने के लिए आ गया हमारा।
जल्दी है बंदरों से बचते हुए। दोस्तों डियर दिख गए हमें, तो बंदर फोन खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमसे, आ रहे हैं बार बार। डियर आपको मैं दिखाता हूँ, डियर्स को तो उसका पुराना नाम था मानसी डियर पार्क, अब इसे बोला जाता है देहरादून जू। तो लेपर्ड दिख गया, गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे, अंदर चक्कर काट रहा है पूरे। तो दिख गया फाइनली जानवर हमें, पहले डियर फिर लेपर्ड, उससे पहले बर्ड्स जो आपने काफ़ी देखी है, स्नेक्स भूल गए, स्नेक्स भी देखे आप, लेपर्ड को भी दिखाए थे आपको, बंदा आप बुरा मान जाओगे, लेपर्ड नहीं दिखाया हमें, तो ये लो लेपर्ड दिखाते हैं। देख रहे हो पेड़ में क्या लगा रखा है, इसको दिल पे मत लेना, ये प्लास्टिक के लगा रखे है, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज आती है, फोटोज का काफ़ी शौक होता है खासकर लड़कियों को, तो फोटो अगर लड़की आई है फोटो ना खींचे ऐसे कैसे हो सकता है, इंस्टाग्राम में अपलोड करनी है, स्नैपचैट में अपलोड करनी है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, दोस्तों जितने प्लेटफॉर्म उतने कम, ठीक है। तो उनके लिए जगह बना रखी स्पेशल खासकर लड़कियों के लिए, यहाँ पे आओ फोटो खिंचवाओ, आप ज़्यादा घूमो मत, तो घूमने में जाना मत, फोटोज खींचो अच्छे से ना, आप मॉर्निंग करो 9 शाम को 5 बजे तक, जितने पोस्ट खींचने उतने खींचो, तो पता चलना चाहिए भैया कि घूमने आए थे, ये दिखना चाहिए सोशल साइट्स पे, ठीक है। तो हम अब फीडबैक लेते हैं जू के बारे में, कोई अगर मिल जाए हमें हम पूछते हैं जू कैसा लगा, यहाँ पे क्या स्पेशल सा लगा। तो अभी हमारे साथ है करिश्मा रावत, हम इनसे पूछे कि जू यहाँ पे कैसा लगा, हमने पूरा घूमा दिखाया आपको, क्या फीडबैक है आपका जू के बारे में? काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा आपको? अच्छा बर्ड्स बेस्ट लगी आपको, और जो स्नेक्स और लेपर्ड्स है वो भी ठीक ठाक थे, अच्छा एवरेज, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस अच्छा, और मज़ा आया आपको यहाँ पे आके, है ना, अराइना तो काफ़ी क्यूट है, ये भी जू घूमने आई है आज। यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या लगा आपको जू में? बर्ड्स ही अच्छे, बर्ड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे लगे। व्लॉगिंग करते करते दोस्तों हाथ दर्द होते हैं यार, ये तो है, ये दिक्कत तो है, कोई नहीं अभी कोई नहीं है, मास्क उतार देता है, कोई प्यार मिल जाए तो वर्थ इट रहता है, वर्थ इट है। क्या बात कर दी लड़के ने, बहुत बढ़िया बात कर दी। लोग तो कोविड टेस्ट करा क्या है थे आपको नहीं दिखा सकते, ये गफला कर दिया तूने। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर आपको मजा आया सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, कुछ बोल यार ऑडियंस को, फोन को साइलेंट है, फोन नहीं बज रहा, डियर पार्क ना, फोन बज रहा, तो मेरा फोन नहीं बज रहा, हेलो, ये दोस्तों स्कैम चला रखा है, इस स्कैम 1992।